एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी शुरू करन जा रहे हैं डी ब्लॉक एलीमेंट्स, ठीक है। सो इहदे विच मैं तुहानू पहला दी समरी करवा देवांगी चैप्टर दी, दैन एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करांगे। सो इदां तुहाडे काफ़ी अच्छे नोट्स बनी जाएंगे, ठीक है, साढ़े पेपर लई जिन्ना कि इंपॉर्टेंट आ उहदे अकॉर्डिंग करांगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द डी ब्लॉक एलीमेंट, इधर एस ब्लॉक हों, पी ब्लॉक के सेंटर जो डी ब्लॉक एलीमेंट्स है, ठीक है, इन्हों आप ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलीमेंट्स है जिन्होंने आप इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी कहते हैं। इतने दो सीरीज़ होंगे, लैंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज। ये डी ब्लॉक फर्स्ट सीरीज, सैकेंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सैकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड दैन फोर्थ। इदा ही तुम्हें पता होना चाहिए स्कैंडियम तो जिदा जिंक तक जाती है, ठीक है। इदा नाम तुम एटलीस्ट सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है। सो वो पूछा जा सकता जिदा कि ट्रांजिशन सीरीज़ के अकॉर्डिंग के किनमा एलीमेंट केड़ा है, ठीक है। सो इनू एक दो बारी देख लेना या कोई तुहानू यूट्यूब पर ट्रिक्स मिल जाएगियाँ, उन्होंने याद कर लेना टेबल में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द ट्रांजिशन सीरीज़, दी आर इनर ट्रांजिशन सीरीज़, एफ ब्लॉक एलीमेंट एंड दिस इज डी ब्लॉक एलीमेंट्स। जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलीमेंट इज एन माइनस वन, डी वन टू टेन, एन एस वन टू टू, मतलब एस च फिलिंग दो दी होएगी ते डी दे विच जिहड़ी आ वह वन टू टेन तक दी होएगी। सो इहदे विच पहला समरी देखते फिर आपां क्वेश्चन देखांगे। देखो, डी ब्लॉक एलीमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलीमेंट, इन्हां नूं ट्रांजिशन एलीमेंट भी कहिंदे आ। इहदी जनरल कॉन्फिगरेशन है एन एस वन टू टेन, एन एस ते एन सॉरी एन एन माइनस वन च वन टू टेन, एन एस च वन ते टू च कोई दो इलैक्ट्रो, मतलब एक भी आ सकता दो भी आ सकते हैं। देयर आर फोर ट्रांजिशन सीरीज़ होंदियां जिहदे विच फिलिंग होंदी है, पहला थ्री डी दी स्कैंडियम तो जिंक तक, ठीक है, फिर इहदी वाई तो सी डी तक फोर डी दी फिलिंग होंदी, फिर इहदी फाइव डी दी फिलिंग, इहदी सिक्स डी दी फिलिंग, ठीक है। इस स्टार्ट होंगी फ्रॉम द ए सी एंड इज़ अनकम इनकम्प्लीट, अगे इनकम्प्लीट हैगी। सो ये बारे भी तुम्हें पता होना चाहिए, वो पूछा जा सकता वह कि ये कि फीलिंग होंगी थ्री डी की। सो यदा भी पूछा जा सकता या फोर डी की फीलिंग लिए कितों कितने तक। नैक्सट है, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कॉपर तो क्रोमीयम उन्होंने को एक्सैप्शनल कॉन्फिग्रेशन होंगी, तुम्हें पढ़िया ही होना ही, तुम जो कॉपर के क्रोमीयम की लिखोगे ना, लिखते हुए इदा आएगा थ्री डी फोर फोर एस टू, बट डी का हाफ फील्ड फुली स्टेबल होने करके एक इलैक्ट्रॉन इनू दे दिंदा। सो इतने वन रह जाता, इतने की आ जाता फाइव। सिमिलरली कॉपर चा हों, कॉपर चुंता यदि थ्री डी नाइन फोर एस टू, तो एक इलैक्ट्रॉन दे दिता, इतने टेन हो जाते, इतने एक रह जाता, ठीक है। सो इदा होंगे। नैक्सट, लार्ज द नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन स्ट्रोंगर इज़ द मटैलिक बॉन्ड एंड हैंस हायर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, कि जिन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन होने उन्ना ज़्यादा मटैलिक स्ट्रोंग मटैलिक बॉन्ड होएगा, उन्नी उन्ना ही हायर की होएगा मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज़ वाई मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट राइज टू मैक्सीम दैन फॉल। सो पहला मैक्सीम राइज करता है, ठीक है, फिर वो हौली हौली की करता है फॉल करता है, क्योंकि पहला पहला अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की होंगे ज़्यादा होंगे। सो इस करके उत्थे जो एक करैक्टर है उन्हें बढ़ना है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ने भी राइज करना, क्योंकि वो डिपेंड करता है इतने कि जिन्ना मेटैलिक बॉन्ड स्ट्रॉग है उन्ना मेल्टिंग पॉइंट भी की सी ज़्यादा। सो ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इदा अप टू सोन, तो मैक्सीम शो करता ओसीएम प्लस एट की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नैक्सट इज़ द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मैटल शो पैरा मैगनेटिजम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। देखो, जो पैरा मैगनेटिजम आता है इन के कारण आता, ड्यू टू अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होने तो उसे पैरा मैगनेटिजम होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मैक्सिमम पैरा मैगनेटिजम देखने मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। नैक्सट, जो अभी मैगनैटिक मूवमेंट करना वह फॉर्मूला होंगे म्यू एम इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। नैक्सट है, ट्रांजिशन मैटल्स आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी शैल। सो कलर्ड किए करके आता, क्योंकि इन्हों को वेकेंट डी शैल होंगे, मतलब कंप्लीट नहीं होंगे, थोड़ा इनकम्प्लीट होंगे, पार्शियल होंगे। जिदा स्कैंडियम थ्री पॉजिटिव, टी ई फोर पॉजिटिव, ये सारे तो कलर लैस है, क्यों, क्योंकि इन्हों को कंप्लीटली डी फिल्ड, मतलब फिल्ड डी शब शैल होंगे। सो ये हो गए, क्योंकि जो तुम ये कॉन्फिगरेशन लिख के देखना, तुम इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी आती ना, इन्हें सारे ही लिखना। देखो, ये डी तुम फुली फिल्ड मिलेगा। सो फुली फिल्ड होने करके कलर नहीं शो करने, कलर कदों शो करता जो वेकेंट डी शैल होंगे, मतलब उस वेकेंट होना चाहिए, ठीक है। सो उतो कलर, वैसे मैं क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कराने, डोंट वरी, हो जाने हैं। एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर दें तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना दें, एक एक प्रॉपर्टी यदि इंपॉर्टेंट हैगी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर दिया, क्योंकि सर्फेस प्रोवाइड कर दी रिएक्टेंट नू रिएक्ट करने लई, दूसरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लैक्स बना दिया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना दिया लाइक विद हाइड्रोजन कार्बन बोरोन नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि इन्हें इंटरस्टिशियल साइट्स के आके ये वाले एटम जो नॉन मेटैलिक एटम है फिट हो जाते हैं,
काफ़ी वेकेंट स्पेस होंगी है। नैक्सट आयरन इज़ द सैकेंड मोस्ट अबंडेंट मैटल जी अकर करती अर्थ की क्रस्ट। रॉट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म हैगी है। स्टील असी ओबटेन करते बाय एडिंग सम एलीमेंट्स सच लाइक क्रोमियम वनेडियम टाइटेनियम मोलीबिडनम। सो इतों कह सकते कि एलॉय फॉर्मेशन लिए भी ट्रांजिशन जीडिया एलीमेंट्स है बहुत वधिया एलॉय बनाने लाइक जिदा स्टील है। नैक्सट इज़ कॉपर इज़ मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पायराइट। सिल ये दसिया कि मतलब कि इन्हों एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर पायराइट चो कॉपर नू ठीक है आरगे आर्गेंटाइट और तो सिल्वर ठीक है वाई साइनाइड प्रोसैस जिंक नू असी जिंक ब्लेंड तो करते हैं मरकरी नू असी सिनेबर तो करते हैं ठीक है कॉपर एसओ फोर फाइव वाटर नू आपां ब्लू बिट्रोल बोलते हैं ए जी एन ओ थ्री नू आपां लूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं ठीक है। सो ये तुहानू नाम जिहड़े पता होने चाहिए ईजी है। नैक्सट इज़ द कोरिजिव सबलीमेट एच जी सी एल टू हैज़ एंटीडोट फॉर वाइट ऑफ एन एग एक ए वाला पॉइंट। नैक्सट अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ नैसलर रिएजेंट के टू एच जी आई फोर इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव। एक कुछ के कंपाउंड है जो कि वास्ते यूज़ किए जाते बस तो नोट कर लेना क्योंकि समरी चो क्वेश्चन देखने मिल जाता सो याद कर लेने। द प्रोसैस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट इंप्रैशन ऑफ एन ऑबजैक्ट ऑन एन आर्ट पेपर बाई यूजिंग लाइट उन्होंने बोलते फोटोग्राफी। ओके नैक्सट मरकरस जो आयन होंगे एग्जिस्ट करते एच एज एच जी टू पॉजिटिव बिकॉज एच जी उस बॉन्ड बनता ठीक है। इक्वलेंट के एम एन ओ फोर इज़ एम वाई फाइव हों इक्वल टू 13.31.6 इन एसिडिक मीडियम एंड एम वाई थ्री हों इन एल्केलाइन मीडियम याद कर लेना पूछा जा सकता। सी आर ओ टू नैगेटिव एंड एम एन ओ टू नैगेटिव दोनों की टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंगी है। इक्वलेंट वेट जो एसिडिक मीडियम च एम बाई टू एम बाई सिक्स हों एफ ब्लॉक एलीमेंट्स में आप इन ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहते हैं जनरल कॉन्फिगरेशन जो स्टार्टिंग आप डी की की थी बाकी आह बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री इन होंगी ठीक है ये भी बहुत स्टेबल होंगे ठीक है। द स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड ये नाम दिते हुए उन्होंने आर ऑलसो स्टेबल तो स्टेडी डिक्रीज इन जो हौली हौली डिक्रीज आता ना अटोमिक इन अटोमिक एंड आयनिक साइज विद इनक्रीज इन अटोमिक नंबर उन्होंने बोलते लेंथेनाइड कंट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जड़े ट्राइवलेंट लेंथेनाइड कलर्ड भी होंगे कलर जोड़ा आ इन्हों का आयनस का कंटेनिंग एन एफ इलैक्ट्रॉन इज अबाउट सेम ही होंगे विद 14 एफ इलैक्ट्रॉन। नैक्सट थोरियम इज़ यूज फॉर द मैनुफैक्चरेशन ऑफ फाइन रॉड इन द अटोमिक रिएक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्होंने जो दो तीन बारी देख लेना तो याद हो जाएंगे। नैक्सट देखो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट राइट द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आयंस कॉन्फिगरेशन ऑर्गन तक लिख के अगर 3D 10 7 3 5 ये अकॉर्डिंग लेट्स सी तुम कलर पूछता देखो 3D 10 पूरी डी दे 5 ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 5 हो गए इस इलैक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 10 के 10 हो गए फिल जो सारे फिल हो गए तो ये मतलब कि यह कलरलैस है यदा कोई कलर नहीं है इदा ही 7 वाले का करोगे फिल करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 बाकी की बच गए अनपेड 3 बच गए सो इस करके यदा कलर होएगा इदा असी कलर भी कर सकते हैं बाकी जो अनपेड होंगे वो पैरामैगनैटिक भी होंगे ठीक है। अनपेड तो ही असी ए वाली वैल मैगनैटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं जिदा ये अटोमिक नंबर 25 के डाइवलेंट आ जाता ट्राइवलेंट का डाइवलेंट मतलब 2 पॉजिटिव ट्राइवलेंट मतलब 3 पॉजिटिव। सब तो पहले ना तो यदि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना 25 ले ठीक है जिदा लिखी हुई है ठीक है। हुण ओदे लई तुसी की करना उस तो बाद डाइवलेंट मतलब 2 कढ़ दो इहदे विच्चों ठीक है कोई जिहड़े सब तो पहला तो ये सिंपल ये देखते हैं डाइवलेंटली ये ना 4s भी होएगा जो 4s चो 2 निकल जाएंगे सिर्फ इतने 3D 5 बचेगा ये पिछले ना 4s भी होना असं पहले 4s चो निकालने होंगे फिर 3D चो निकालते हैं। सो 4s चो 2 इलैक्ट्रॉन डाइवलेंट मतलब 2 पॉजिटिव 2 इलैक्ट्रॉन गए 3D 5 बचेगा 5 अनपेड इलैक्ट्रॉन बच गए फार्मूला दो 5 × 5 + 2 मैगनैटिक मूवमेंट का। नैक्सट ट्राइवलेंट ट्राइवलेंट कढ़ोगे तो 2 तो 4s चो निकल जाने एक इतों निकलेगा फिर उस बाद डी तो इतने डी को किन्ने बच जाएंगे 4 सो अनपेड इलैक्ट्रॉन किन्ने हो गए अंडरूट अनपेड इलैक्ट्रॉन के 4 तो मैगनैटिक मूवमेंट की हो गया अंडरूट एन इंटू एन प्लस 1 यानी 4 × 4 + 1 नहीं हुंदा सॉरी +2 हुंदा सॉरी बोहर मैगनेटन ये यूनिट है पिछे। नैक्सट एक्सप्लेन वाई ई नॉट वैल्यू ऑफ एम एन 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव जाने ज़्यादा पॉजिटिव होंगी है सी आर 3 पॉजिटिव तो 2 पॉजिटिव एफ ई 3 पॉजिटिव तो एफ ओ 2 पॉजिटिव कुछ नहीं करना तुम जस्ट ना इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखी जाओ देखियो ज़्यादा हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड उही वाली ज़्यादा स्टेबल होंगी है वो ज़्यादा मोर पॉजिटिव ई नोट की वैल्यू आती है। जो तुम एम 3 तो एम 2 पॉजिटिव जाओगे ना तो आ जाएगा 3D 5 इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच इज़ वैरी स्टेबल
हूँ ही आपका किया भी है टू पॉजिटिव थ्री डी फाइव आता हूँ फाइव की आँच ऑर्बिटल एक सिंगली इलैक्ट्रॉन फील्ड है यानी सिमिट्री हैगी सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी मतलब उत्थे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी ठीक है सो ये क्रोमियम थ्री पॉजिटिव टू पॉजिटिव या एफ ई थ्री पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो तुम देखना वेद इदा नहीं होगा ना हाफ फील्ड होगी ना फुली फील्ड सो इस करके ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव से इदी ये वाली हैगी डी फॉर कॉन्फिग्रेशन आ बट क्रोमियम टू पॉजिटिव रिड्यूसिंग बाइल एम एन थ्री पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग ये कंसैप्ट आएगा इलैक्ट्रॉन सपल जे क्लिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्योंकि होंगे की आ जो क्रोमियम टू पॉजिटिव जाता है थ्री डी फोर टू थ्री डी थ्री तो जी थ्री डी थ्री कॉन्फिग्रेशन आ बहुत स्टेबल होंगी क्यों क्योंकि जो स्प्लिट होंगे ना इदा तो डी के तीन तो दो मतलब फाइव की डिविजन होती थ्री टू च डिविजन हो जाती सो टी टू जी के की आ जाता हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन आ जाती विच इज़ वैरी स्टेबल सो इस करके ठीक है नैक्सट स्कैंडियम इज 21 वो दिता ट्रांजिशन एलीमेंट बट जिंक नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन एलीमेंट की ना एक डेफिनेशन होंगी कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए तो उस 21 की लिखोगे ना तो 3d1 आ गया तो जो जिंक की लिखा 3d10 आ गया 10 मतलब सारे के सारे फिल पांच दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे सो मतलब कि पार्शली फिल्ड नहीं है इस करके आप ट्रांजिशन एलीमेंट नहीं कहते इनू कहते हैं जो ट्रांजिशन एलीमेंट कि है जिस पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो मतलब इनकंप्लीट हो यदि आ वैल्यूज़ दिखाई फॉर द फर्स्ट रो ई नॉट वैल्यूज इररेगुलरिटी बिहेवियर ठीक है रेगुलर नहीं है इस आयन एक्सचेंज सेल्पीज तो पता चल सकता इन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहन दो तुसी इत्थे तक आ लेना ठीक है बाकी ये क्वेश्चन हाँ जी अगे है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कलर सोल्यूशन अगेन कलर अनपेड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो अनपेड इलैक्ट्रॉन देखो जिद को अनपेड इलैक्ट्रॉन होंगे वो कलर शो करेगा बाकी कलर शो नहीं करेंगे दूसरी गल कलर्ड भी होएगा तो दूसरा मैगनैटिक प्रॉपर्टी की जो गल होंगी है जे कोई अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं है वो डाया मैगनैटिक होना मतलब रिपेल होएगा बाई द मैगनैटिक फील्ड जो अनपेड इलैक्ट्रॉन है या फिर अट्रैक्ट होना मैगनैटिक फील्ड द्वारा तो वे अकॉर्डिंग पैरा या फेरोमैगनैटिक होना एम एन टू पॉजिटिव मोर स्टेबल क्यों होना पेपर सीधा ही है तुम्हें पता कि ज़्यादा स्टेबल क्यों होना यदि कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड होनी ठीक है बाकी आ क्वेश्चन देख लो थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन एलीमेंट के सीरीज़ के तुम उतो पीरियोडिक टेबल देख के लिख देना ठीक है थ्योरेटिकल मैगनैटिक मूवमेंट हूँ यदि एन नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन काट के फॉर्मूला ला दो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू वाला ठीक है फिर तुहाडे को निकल जाएगा ये वी प्लस फाइव प्लस फोर डाया मैगनैटिक वो पूछ रहा कुछ नहीं करना तुम अनपेड इलैक्ट्रॉन देखने चैक करने जे तो अनपेड इलैक्ट्रॉन है और डाया होना नहीं तो नहीं होना ठीक है काट के देख लेना कॉन्फिगरेशन लिखनी उस बार नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन देखने जे तो अनपेड इलैक्ट्रॉन है शायद जो मैं गलत बोल गई सी दोबारा सुन लेना अनपेड इलैक्ट्रॉन जे तो है फिर तो डाया मैगनैटिक नहीं होंगे वो पैरा मैगनैटिक होंगे जे अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं है सारे पेयर्ड है फिर डाया होंगे अगेन सुन लो जे सारे पेयर्ड है मतलब कोई भी अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं है नो अनपेड तो उन्होंने बोलते डाया मैगनैटिक डाया मैगनैटिक मतलब वीकली रिपेल बाय मैगनैटिक फील्ड होंगे बट जे वे को अनपेड इलैक्ट्रॉन है ठीक है फिर उन्होंने बोलते पैरा मैगनैटिक तो अट्रैक्ट होंगे वीकली बाय मैगनैटिक फील्ड तो कलर भी होंगे ये उन्हें पूछा कलर किड़े हो बस तुम अनपेड इलैक्ट्रॉन कढ़ो देख लो जो अनपेड इलैक्ट्रॉन है तो कलर होएगा अदरवाइज नहीं होएगा यदि अनपेड इलैक्ट्रॉन दसने किन्ने किन्ने नीम का लाइएस्ट लाइटैसट यदि पैरा मैगनैटिक इन्हों के बस कुछ नहीं है अनपेड इलैक्ट्रॉन देख लो है जिस होएगा जिस नहीं होएगे वो नहीं होएगा लाइटैसट तो हैवीएसट एलीमेंट दसना इन चुं लाइटैसट हूँ स्कैंडियम तो हाईएसट हूँ हैवीएसट हूँ ओसीयम ठीक है ओसीयम लिए एक आप पॉइंट होर किया कि ओसीयम लिए ना की किया पॉइंट कि आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ प्लस 8 तक गई सी है ना ये वाला पॉइंट किया जो तुम याद हो तो ये वाले हूँ तुम मेन मेन ये कलर की गल हो रही है बाकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन यूनिट देख लेने बोहर मैगनेट एक मैगनैटिक मूवमेंट किदा कटिया सो कि ना कि सारा कुछ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन तो हो रहा कर लेना जो वीडियो पसंद है लाइक एंड कमेंट करके दसना थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो